आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ के विकासखंड मोहनलालगंज इलाके के गुमानी खेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय में दो महापुरुषों का बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। दौरान बच्चों ने दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल जैसे गीतों के साथ बच्चों ने समा बांध दिया। मौखता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मोत्सव समारोह का प्राथमिक विद्यालय गुमानी खेड़ा के प्रधान अध्यापक अनिल कुमार वर्मा ने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को देश छोड़ने पर विवश कर दिया। उनका कहना था कि सदा सत्य बोलो, किसी की बुराई न सुनो, किसी की बुराई न कहो तथा किसी की बुराई ना करो। सहायक अध्यापिका वंदना यादव ने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बच्चों को बताया कि प्रधानमंत्री रहते हुए किस तरह उन्होंने सादगी के साथ रहते हुए देश चलाया था। अंत में बच्चों के साथ राम धुन गाते हुए कार्यक्रम समाप्त किया गया। कार्यक्रम के बाद बच्चों ने लड्डू तथा भोजन में खीर खाई। इस अवसर पर विशेश्वर राम कुमारी बबली जगदेई तथा राम सागर आदि उपस्थित रहे।